लंचो तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम मस्त वाली रेसिपी जिसका नाम है द धोरे, जो बहुत ही फेमस मॉकटेल है राजस्थान की। आज हम उसे बनाने वाले हैं, उसका शरबत भी बनता है, तो आज हम मॉकटेल और शरबत दोनों बनाने वाले हैं। ये फालसे से बनता है जो गर्मियों में आते हैं, और ये फालसे हमको गर्मियों में ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो चले हम धोरे द राजस्थानी मॉकटेल बनाने। तो आज मैं धोरे राजस्थान मॉकटेल बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ 250 ग्राम फालसे। आज मैं आपको सिंपल शरबत और मॉकटेल बना के दिखाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम शुगर। आप अगर आपके जो फालसे हैं वो खट्टे हैं ज़्यादा, तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके वो मीठे हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। शुगर डाल के इसको भिगोना है। अब हमको हमारे मॉकटेल वाली फालसे के अंदर हाफ स्पून डालना है सिनेमन पाउडर, और अब हम इसके अंदर जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ स्पून सौंफ का पाउडर डालेंगे। अब हम इन दोनों के अंदर डाल देंगे काला नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाफ स्पून और इसके अंदर 1/4 स्पून लिया है। अब हमको इसको हिलाकर 2-3 आवर्स के लिए सोक करने के लिए रख देना है, ताकि जो अपने फालसे हैं वो गल जाए और अपना पानी छोड़ दें, और फिर मॉकटेल बनाने में भी बहुत इजी हो जाएगा। वन फोर्थ स्पून हमको इसके अंदर डालना है ब्लैक पेपर पाउडर, और हमको ब्लैक पेपर पाउडर सिर्फ हमारे मॉकटेल वाले के अंदर ही डालना है। सो रेस्टिंग टाइम के बाद हमारे जो फालसे हैं उसमें से वो अच्छे से गल गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा जूस निकल गया है। तो अब हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी पीस सकते हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से पीस रहा है। और मैं आज इसको मिक्सी के जार में पीसने वाली हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमको इसको सिर्फ 1-2 सेकेंड्स के लिए ही मिक्सी में चलाना है। उसकी जो आउटर कवरिंग है फालसे की, सिर्फ वो ही बीच से अलग होनी चाहिए, बस इतने के लिए ही हमको इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करना है। यहाँ पे हमने ठंडा पानी लिया है, देखिए कितना अच्छे से पिस गया है हमारा फालसा। तो अब हम इसको एक सील से छान लेंगे। तो अच्छे से नीचे जूस निकल गया है, तो अब हम हमारे जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा शेक कर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सीड्स रह गए हैं और जूस निकल कर रेडी हो गया है। हमको इनको भी पीस लेना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। तो हमारा जो मॉकटेल वाला जो फालसा था, जो स्पाइसेस के साथ था, वो अब हमारा पिस चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे। हमने इसको 3-4 आवर्स के लिए इसलिए छोड़ा था सोप के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस डाले हैं उसका फ्लेवर फालसे के अंदर मिक्स होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 3-4 आवर्स के लिए सोक करने रखा था। अगर आप सिंपल इसको शुगर और सॉल्ट के साथ में
रखते हैं तो आप इसको हाफ या बनार के अंदर यूज कर सकते हैं, छान सकते हैं। हमको इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि बाद में इसके अंदर सोडा मिक्स होने वाला है। हमारा प्लेन शरबत और ये है हमने मॉकटेल के लिए जो बनाया था। तो हम हमारा प्लेन शरबत वाला बना लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी थोड़ी सी आइस। इसके अंदर शरबत डाल दूंगी। अगर आपको ये ज्यादा गाढ़ा लग रहा है या टेस्ट में आपको कुछ कम ज्यादा लग रहा है तो सॉल्ट और शुगर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको ये ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा प्लेन शरबत कितना अच्छा लग रहा है। ये भी रेडी कर लेते हैं। फिर से सेम प्रोसेस है, इसके अंदर आइस डालूंगी बट हम इसके अंदर नीचे भी मिंट डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर एकदम मस्त निखर कर आए। डालेंगे सोडा। ऊपर से भी उतना ही लाजवाब है।